आज मैं बताऊंगा डोर को ऐड करना। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने ये डोर क्रिएट किया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इस मॉडल में डोर को ऐड करेंगे। डोर को ऐड करने से पहले हम इस डोर में एक डिजाइन क्रिएट करेंगे। डिजाइन क्रिएट करने के लिए हम इसे एक्टिव कर लेते हैं और रेक्टेंगल टूल का यूज़ करते हुए इसमें एक डिजाइन क्रिएट करेंगे। पुश पुल टूल से हम इसे अंदर की तरफ 1 इंच पुश कर देंगे। अब इसे हम सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद मूव टूल का यूज़ करते हुए हम इसे नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं। इस तरह ये हमारे डोर में डिज़ाइन क्रिएट हो चुकी है। ये हमारा डोर लेफ्ट से राइट की तरफ ओपन होगा, इसलिए इसका एक कॉपी हम और बना लेते हैं जो राइट से लेफ्ट की तरफ ओपन हो। तो इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं पूरे को और मूव टूल का यूज़ करते हुए हम एक कॉपी और बना लेते हैं इसमें, और इसके हैंडल को हम मूव कर लेते हैं। रोटेट टूल का यूज़ करते हुए हम इसे 180 डिग्री पे रोटेट कर लेते हैं। ये रोटेट हो गया है। यह हमारा हैंडल मूव हो चुका है। यह हमारा हैंडल अब सेट हो चुका है। अब यह हमारा डोर रेडी है। अब हम इसको ऐड करेंगे अपने इस मॉडल में। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। मूव टूल से हम इसे मूव कर लेते हैं यहाँ से एक कॉपी। और इसे हम यहीं पे रोटेट कर लेते हैं। मूव टूल का यूज करके हम इसे स्केल टूल का यूज करके हम इसे रिसाइज कर लेते हैं। अब ये हमारा डोर इसमें ऐड हो चुका है। इसे हम अंदर की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेते हैं।
अब हम इस डोर को सेलेक्ट करेंगे। पहले इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। इस डोर को हमने सेलेक्ट कर लिया है और इसे मूव टूल का यूज़ करते हुए हम इसे मूव कर लेते हैं। यहाँ से रोटेट टूल का यूज़ करके हम इसे रोटेट कर लेते हैं यहाँ पे। और मूव टूल से हम इसे मूव करा लेते हैं। स्केल टूल का यूज़ करके हम इसे रिसाइज कर लेते हैं। इनसाइड से हम इसे थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव कर लेते हैं। ये हमारा डोर सेट हो चुका है। इस तरह ये हमारा डोर अब सेट हो चुका है यहाँ पे। एक डोर हमारा रह रहा है किचन का, इसे भी हम यहाँ से डोर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करके हम इसे मूव कर लेते हैं। हम यहाँ इस कॉर्नर पे क्लिक करके इसे हम ड्रैग कर लेते हैं। यहाँ हमने इसको सेट कर लिया है और स्केल टूल का यूज़ करते हुए हम इसे रिसाइज कर लेते हैं। बच गया हमारा ये मेन डोर। मेन डोर को भी हम यहाँ पे ये डोर सेलेक्ट कर लेते हैं। इस डोर को सेलेक्ट करके हम अपने मेन डोर में फिट कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं। तो इसे हम यहाँ से ड्रैग करके सीधा इसके अंदर फिट कर लिए और इसे अंदर की तरफ हम थोड़ा सा पुश करेंगे, लेकिन ये सब सही है, पुश करने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से ये हमारा डोर ऐड हो चुका है। इस मॉडल में हमने इस तरह से डोर को ऐड कर लिया है। आई होप कि वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।